बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, जो कि सिवनी से मिल रही है, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, तो वहीं 200 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। कानीवाड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सिवनी से, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, तो वहीं 200 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। कानीवाड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवनी से, गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 200 एकड़ फसल जलकर राख हो गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, 200 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है, तो वहीं काफी नुकसान हुआ है। ये पूरी घटना आपको बता दें, कानीवाड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, 200 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 200 एकड़ से भी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, पूरी जलकर खाक हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी से, जहां गेहूं की फसल में आग लगी, 200 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ। तो वहीं कानीवाड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वक्त की बड़ी खबर सिवनी से, जहां गेहूं की फसलों में आग लग गई। यह आग आप देख सकते हैं, उसकी लपटें काफी दूर तक जा रही हैं, काफी भीषण आग लगी है। तो वहीं 200 एकड़ से ज्यादा फसलें जलकर राख हो चुकी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ। तो वहीं कानीवाड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकिशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकिशोर, सिवनी में गेहूं की फसलों में आग लगी, 200 से ज्यादा एकड़ जमीन फसलें जलकर राख हो चुके हैं, और क्या कुछ अपडेट है अभी तक? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये रात के करीबन 1 बजे के बीच की बात है, और लोग सारे घरों में सो रहे थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में आग लग गई, जिससे 200 एकड़ से अधिक की गेहूं की फसलों में आग लग चुकी थी, और वहां पर ना फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो पाई, जिससे 200 एकड़ से ज्यादा लोगों की एकड़ की जमीन में आग लगी थी, पूरी गेहूं की फसल जो थी नष्ट हो गई जलकर। आज वो किसान बहुत परेशान है। जी मैम, आग लगी है तो अभी क्या कुछ स्थिति है वहां? बस गेहूं की फसलें जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। चलिए राजकिशोर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवनी से, जहां गेहूं की फसल में देर रात आग लग गई, 200 एकड़ फसलें जलकर खाक हो गई। तो एक कानीवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।